हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास श्रीमाली। मैं रिसेंट 5 साल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम करता हूँ और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू यूज निकॉन D40 DSLR मॉडल। सबसे पहले हम निकॉन D40 का ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू जैसे इसमें कार्ड कैसे डाला जाता है या बैटरी कैसे इंक्लूड की जाती है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो आपको दिख रहा है ये इसका मेमोरी कार्ड पोर्ट है। तो इसको क्या है कि हल्का सा प्रेस करके खींचने पर ये खुल जाएगा और जैसा कि पहले से इसमें कार्ड इंक्लूड किया हुआ है, हम इसको वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इसी कार्ड को हम वापस इस तरह से लेते हुए इसके अंदर पोर्ट में इनपुट करके इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इस लॉक को इस तरह दबाते हुए प्रेस करेंगे तो एक हल्का सा साउंड आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कार्ड इनपुट हो चुका है या ट्रिप लॉक हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि बैटरी इंक्लूड करना, तो बैटरी के लिए जस्ट बैक साइड में इसमें लॉक दिया हुआ है, तो या हम देखेंगे कि ये बैटरी, इसको इस तरह से करने पर ये बैटरी बाहर आ गई है। इस बैटरी को लेते हुए वापस हम इस तरह से इसके अंदर फिक्स करके इस लॉक को इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बैटरी फिक्स हो चुकी है। बैटरी इंक्लूड करने के बाद हम देखेंगे कि कैमरे को ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक बटन है जिससे कि हम कैमरे को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो बटन है इसको इस तरफ खींचने पर, यानी कि राइट हैंड साइड में खींचने पर ये कैमरा ऑन हो जाता है और इसी को लेफ्ट हैंड साइड में दबाने पर ये कैमरा वापस ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले ऑन करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। मैं इसको राइट हैंड साइड वापस खींच रहा हूं जिससे कि ये ऑन हो जाए और डिस्प्ले ऑन होते ही आपको पता चल जाएगा कि कैमरा ऑन हो चुका है। ये देखिए, ये आपके सामने कैमरा ऑन हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेंस कैसे एडजस्ट किया जाता है। लेंस एडजस्ट करने के लिए मैं वापस आता हूँ लेंस की तरफ। लेंस की तरफ आप देखेंगे कि ये हमारे पास लेंस है और इसको इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास लेंस है जो कि 18 से लगाकर 55 तक की है। तो इसको इस तरह से घुमाने पर लेंस एडजस्ट होता है, जूम इन और जूम आउट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर दो मोड दिए गए हैं। ये दो मोड जो है वो लेंस के मोड है। अभी ये ए पर है। ए का मतलब है कि जो लेंस है वो ऑटो मोड पर है। इसको हम चाहें तो मैनुअल मोड पर ले सकते हैं जो कि यहाँ पर एम नाम से लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि लेंस के दो मोड होते हैं, एक ऑटो मोड और एक मैनुअल मोड। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्लैश को कैसे ऑन किया जाता है। इसमें दो तरह की फ्लैश होती है, फर्स्ट फ्लैश जो कि इसके अंदर इंक्लूड होती है और सेकंड फ्लैश जो कि हमारे पास है एक्सटर्नली हम इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंटरनल लेंस है, लेंस की जो फ्लैश है वो कैसे ऑन होती है। यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिस पर इलेक्ट्रिकल साइन बना हुआ है, उसको हम बटन को एक बार प्रेस करेंगे जिससे कि फ्लैश निकल कर बाहर आएगी। ये आपने देखा कि ये इसकी जो है इंटरनल फ्लैश है। इसको वापस में अंदर अफिक्स करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सटर्नल फ्लैश है वो कैसे इंक्लूड की जाती है। ये आप देखते हैं कि इस तरह की ये जो है एक्सटर्नल फ्लैश होती है। इस पर एक लॉक लगा हुआ है, रिंग वाला लॉक लगा हुआ है और इस पर आप देखेंगे कि इस पर एक पोर्ट लगा हुआ है। इस फ्लैश को हम इस तरह से यहां लगाकर इसके अंदर अफिक्स करेंगे और फिर ये जो रिंग है इसको हम धीरे धीरे घुमाएंगे तो इसको फुल टाइट कसने पर ये एक्सटर्नल जो फ्लैश है वो इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। इसके बाद हम इस फ्लैश को चाहे जिस एंगल पर सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीन तरह के एंगल दिए हुए हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। ये लाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह की फील्ड में आपके पास लाइट जितनी अवेलेबल होती है उस हिसाब से एंगल पर एडजस्ट करना होता है। और भी इसमें कई तरह के फंक्शन है, जैसे कि फ्लैश को यहाँ से ऑन किया जाता है, फ्लैश में ऑन किया जाता है, यहाँ पर भी मोड दिए हुए हैं। इस पर तीन तरह के मोड हैं, लो, हाई और वेरी हाई, तीन तरह के हैं।
और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये पावर बटन है और टेस्ट करने के लिए इस पर एक अलग से बटन दिया हुआ है। तो इसको टेस्ट करने के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस टेस्ट बटन को दबाने पर ये जो फ्लैश है वो कैसे काम करती है, ये देखिए, ये इस तरह से ये फ्लैश काम करती है। अब मैं ये फ्लैश निकाल दूंगा जिससे कि हमें आगे के फंक्शंस देखने में आसानी रहे। तो देखिए, हमने देखा था कि फ्लैश कैसे ऑन की जाती है और कैमरे को यूज कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो इसके पास छोटी सी रिंग लगी हुई है, इस पर इसके कैमरे के मोड्स वगैरह लिखे हुए हैं। पहले हमने जो देखे थे, जो यहां हमने देखे थे, वो लेंस के मोड्स थे, जो कि मैंने आपको बताए थे कि ऑटो और मैनुअल दो टाइप के थे। अब हम देखेंगे कि कैमरे के क्या फंक्शंस हैं या क्या मोड्स हैं। तो यहां आपको ये रिंग दिख रही है जिस पर एम ए एस पी या ऑटो लिखा हुआ है और फ्लैश ऑफ का साइन दिया हुआ है। तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड्स हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको कैमरा दिन में यूज करना है तो आप इसको एस पर ले लेवें, जिससे कि फोटो डार्क डल फोटो बनेगा जिस पर आसानी से डिजाइनर काम कर सके। या फिर हम चाहें कि कोई अंधेरा कमरा है, अंधेरी सिचुएशन है, तो वहां पर हम थोड़ा सा आईएसओ बढ़ाकर पी पर कैमरा यूज कर सकते हैं, जिससे कि फोटो थोड़ा ब्राइट आए तो उस पर भी काम किया जा सके। इसी तरह हम देखेंगे कि फ्लैश पर लगाने पर जो कैमरा है वो ए पर यूज करके आईएसओ सेट कर देते हैं या रिंग सेट कर देते हैं, जिससे कि कैमरा आसानी से काम कर सके। और इसके बाद इसी तरह का एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि एम लिखा हुआ है। जैसे किसी लर्नर को अगर ये कैमरा चलाना हो तो सबसे पहले उसको ये जो ऑटो साइन दिया हुआ है, कैमरे का साइन बना हुआ है और ऑटो लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, इसको यूज करना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से इस कैमरे को चलाना सीख सके। इसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ है कि सेल्फ क्लिक कैसे किया जाता है। सेल्फ क्लिक के लिए जो हमने पहले देखा था कि फ्लैश बटन लिखा हुआ है, उसके पास में उसके नीचे एफ एन करके एक बटन दिया हुआ है जो कि सेल्फ क्लिक के लिए बना हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं कि सेल्फ क्लिक कैसे किया जाता है। कैमरा ऑन करने के बाद एक बार केवल इस एफ एन बटन को दबाएं। उसके बाद जो हमने देखा है कि ये क्लिक वाला बटन, इसको हम दबाते हैं, ये एक बार हम प्रेस करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये एक बार कैसे, इस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया तो इसमें से एक बीप बीप करके साउंड आ रहा है। इस तरह का साउंड आने के बाद ये सेल्फ क्लिक करेगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये सेल्फ क्लिक कैसे करता है, देखते हैं कि डिस्प्ले फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डिस्प्ले है इस पर इस तरह के लिखे हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट इज टू डार्क 3 LO इस टाइप से। और इसके पास जो ये आपको चार बटन दिखाई दे रहे हैं, ये चारों बटन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम करते हैं। जैसे कोई भी इमेज अपन ने क्लिक किया हुआ है तो प्रीव्यू के लिए हम इस बटन को दबाएंगे और उसके बाद जो नीचे जो बटन दिया हुआ है उसको हम रिटच मेन्यू के नाम से जानते हैं। इससे हम इसकी डीलाइटिंग फॉर्मेटिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है वो जूम आउट के लिए है, जूम आउट के लिए। उसके बाद ये डबल बटन है, इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट कितना डार्क है उसके लिए काम आ सकता है। और जो जूम इन का बटन है, जिससे कि हम इमेज को जूम करते हैं, तो ये भी डबल बटन है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका वाइट बैलेंस है वगैरह, या फिर कोई और चीज आईएसओ या इमेज क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हैं, इसके लिए इस बटन को काम में लेते हैं। इसके बाद हम इस तरफ आते हैं तो ये जो बटन दिया हुआ है, ये बटन किसी भी इमेज को डिलीट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। इसके बाद हम इस तरफ देखते हैं तो ये चार बटन का एक स्लॉट दिया हुआ है, बीच में इसके ओके का बटन है। तो इस तरह से हम किसी भी मेन्यू को क्लिक करते हैं, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो देखिए आप जिस तरह डिस्प्ले में देख रहे हैं कि डी लाइटिंग जो सेट है,
इसके बाद अगर हम चाहें तो इस जो बटन स्लॉट है उस पर जाकर हम इसको नीचे कर सकते हैं इस तरह से कि ये ट्रिम, इस तरह से अपन चाहें तो इफेक्ट्स या स्मॉल पिक्चर्स या इमेज ओवरले, इस तरह से इस फंक्शन को काम में लिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लिक किया हुआ इमेज है उस इमेज को किस तरह से आप ये जो फंक्शंस बटन दिए हुए हैं उनको काम में ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रीव्यू बटन है, प्रीव्यू बटन दबाते ही आपने देखा कि जो इमेज क्लिक किया हुआ है वो इमेज आया है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जूम इन का बटन है, जूम इन के बटन को एक बार प्रेस करने पर आपने देखा कि ये इमेज जूम हुआ। इसके बाद जो आपने मैंने आपको बटन स्लॉट बताया था उस बटन स्लॉट की हेल्प से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको एक बार और प्रेस किया, ये देखिए तो ये जूम इन हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जूम आउट का बटन है, हम जितना इमेज का रिजोल्यूशन होगा उस हिसाब से कैमरा उसको जूम कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस इमेज को इसने इतना जूम किया है। इसी बटन स्लॉट की सहायता से हम इसको चाहे तो नीचे ले जा सकते हैं या चाहे तो इस तरफ ले जा सकते हैं या इस तरफ ले जा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको जूम आउट का बटन बताया था, जूम आउट के बटन के पास एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसकी सहायता से आप इसको पहचान सकते हैं। इसको प्रेस करने पर जो है ये जूम आउट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिलीट अ इमेज, इमेज को डिलीट कैसे करें। जो आपको मैंने बटन स्लॉट बताया था उसके पास एक छोटा सा बटन बना हुआ है, इस बटन को एक बार प्रेस करें तो यहां पर डिलीट और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आएगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर इसको आपको डिलीट करना है तो आपको डिलीट यस और एक बार और इसको करने पर ये डिलीट हो चुका है। इसी तरह आगे सीक्वेंस में इमेजेस आते रहेंगे और आप उसको चाहें जैसे डिलीट कर सकते हैं आएंगे। इसके बाद AF एरिया मोड, एरिया मोड की कितना एरिया आपको कवर करना है, ये एरिया दो तरह से कवर कर सकते हैं, एक यहां से कवर कर सकते हैं और एक इस आई टेप के पास आपको दिख रहा हो तो एक छोटा सा लीवर दिया हुआ है, ये लीवर ऊपर खींच सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। तो इस लीवर से भी हम एरिया मोड देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मीटरिंग, मीटरिंग इमेज की क्वालिटी को मीटर करने के लिए जो कि डिस्प्ले पर बताता है, इस तरह से मीटरिंग हम यहां से भी देख सकते हैं। जैसे ये इमेज है, इस इमेज को देखिए आप, इस इमेज पर मीटरिंग हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। ये देखिए इसका वाइट बैलेंस, इसकी मीटरिंग की वाइट टन कहां पर है, इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। यह है उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहां पर इस कैमरे के इस साइड में ये पोर्ट दिए हुए हैं जिस पर दो टाइप के पोर्ट हैं। इस पर आप चाहें तो डायरेक्ट चार्जर एडेप्टर लगा सकते हैं, एंड सेकेंड यहां पर जो दिया हुआ है इस पर हम कंप्यूटर में अगर इसके डेटा एक्सपोर्ट करने हो तो डेटा केबल को यूज करते हुए इससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट कैमरे के नीचे ट्राइपॉड लगाने के लिए यहां पर एक स्लॉट दिया हुआ है जिस पर हम ट्राइपॉड की स्ट्रिप को कसते हुए इसको बॉल्ट को टाइट कस देवे और इसको ट्राइपॉड के ऊपर रख देवे तो ये ट्राइपॉड के ऊपर भी सेट हो सकता है। तो इस तरह आज हमने देखा कि हाउ टू यूज निकोन D40 कैमरा। इस तरह की और भी जानकारियां आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल mitech। थैंक यू वेरी मच।